हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेव कर रहे थे हम, उसमें वेव पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे और उस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखो। देखो मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे आप क्वेश्चन करना। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। अब आप पढ़ के आए होगे, जो स्ट्रिंग आप पढ़े होगे उसमें दो स्ट्रिंग पढ़े होगे। एक स्ट्रिंग एक ही साइड बंधी होगी और एक स्ट्रिंग दोनों साइड बंधी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसी स्ट्रिंग की है, दोनों साइड स्ट्रेच है, फिक्स्ड है इस टाइप के। अब ये अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन में अलग अलग नोड्स और एंटी नोड बनते हैं, हम सबको पता है। इसकी जो लेंथ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व दैट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी 420 एंड 315, ये जो है वो अलग अलग हमारे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हैं और इनके बीच कोई भी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी लाई नहीं करती है। मतलब ये कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी है। जब ये स्ट्रिंग अलग अलग मोड में वाइब्रेट करती है तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है V/2L, वेयर N क्या है, इंटीजर है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, सभी हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, आपको ये बात पता होगा। तो ये जो जनरल फ्रीक्वेंसी है n मोड ऑफ वाइब्रेशन में इस स्ट्रिंग के लिए है। अब आपके पास दो कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी दिया, ध्यान देना इनके बीच कोई फ्रीक्वेंसी लाई नहीं करती, मतलब दो कंजिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद जस्ट दूसरा है। तो मैं पहली फ्रीक्वेंसी को 315 हर्ट्स असाइन कर देता हूँ और मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी को 420 हर्ट्स असाइन कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब लोएस्ट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको पता होगा कि n इज इक्वल टू वन के लिए जिसको हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है और उसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू 1 रो, तो V/2L की हमें कैलकुलेशन करनी है। वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू F minimum V/2L। क्लियर है। इस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है, वो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और स्ट्रिंग कुछ ऐसे वाइब्रेट करती है इस मोड में। n इज इक्वल टू वन के लिए स्ट्रिंग कुछ ऐसे हमको दिखाई देती है, इस टाइप से कुछ दिखाई देती है। इसमें दो नोड बनते हैं, यहाँ तो ऑलवेज नोड बनेगा, यहाँ भी ऑलवेज नोड बनेगा फिक्स, और यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, वहाँ एंटी नोड बनेगा। क्लियर है ये। तो इस केस में, इस मोड ऑफ ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और यही हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसका यूज करते हैं। दो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो मैं F1 को लिख सकता हूँ n V/2L, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं F2 को लिख सकता हूँ n+1 V/2L equation number 2, बिकॉज दो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं पहले से दूसरे में डिवाइड कर देता हूँ तो F1/F2 = n n+1, ये हमें मिल जाएगा फाइनल। अब यहाँ से वैल्यू, सिर्फ वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू डालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, F1 की वैल्यू 315 है, A 420 है, ये आ जाएगा n और ये आ जाएगा n+1। इसको सॉल्व करके मुझे n निकालना होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो फटाफट इसको सॉल्व करो, 315n+315 = 420n। तो ये 315 = 420n में से 315 माइनस कर दो तो 105n, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आ गया हमें 3। हमें क्या चाहिए, V/2L की वैल्यू चाहिए क्योंकि यही मिनिमम फ्रीक्वेंसी देगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, ये इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो F1 = ये दिया हुआ है n V/2L और इसकी वैल्यू है 315। अब हमें V/2L आराम से यहाँ से निकल जाएगा, बोलो। तो V/2L की जो वैल्यू है वो 315/n आ जाएगा और ये आ जाएगा 315, n की वैल्यू 3 है,
तो आ जाएगा 105 हर्ट्स। दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी और ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक में हमें दिखाई देगा 105। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कहता है कि एक गैस है, वो गैस जिसको 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एनटीपी एनटीपी पर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, सीवी की वैल्यू दी हुई है 5। जो डेटा दिया हुआ उसको लिख ले। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड एट एनटीपी, ये भी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड किसी गैस में क्या होती है, गामा आर टी अपॉन एम अंडर रूट, दिस इज द स्पीड बी गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट आर गैस कांस्टेंट टी टेम्परेचर एम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द गैस। देन द, अब यहां से हमें क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोगों को निकालना है सीपी की वैल्यू निकालनी है। देखो सीपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, सीपी तब तक गामा इज इक्वल टू होता है सीपी अपान सीपी, हम सबको पता है। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा टाइम्स सीपी, मतलब अगर मुझे गामा निकल जाए तो मुझे सीपी निकल जाएगा। गामा कहाँ से निकल जाएगा, ये स्पीड दिया हुआ ना, स्पीड ऑफ द साउंड दिया हुआ गैस में, यहाँ से मुझे गामा निकल जाएगा। तो गामा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्पीड का स्क्वायर मास डिवाइडेड बाई आर टी, सबकी वैल्यू डाल दो, स्पीड का स्क्वायर 952 मल्टीप्लाइड बाई 952 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द गैस, 4 ग्राम है 10^-3 केजी एंड गैस कांस्टेंट 8.3 टेम्परेचर एट एनटीपी 273 केल्विन। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लेना इसको, गामा की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन 1.6, दिस इज द गामा। अब जब गामा पता चल जाए तो हमें सीपी पता चल जाए, सीपी इज इक्वल टू गामा 1.6 और सीपी आपका दिया हुआ था 5/16/80 8.0, दैट इज द सीपी। फाइनली जो सीपी सी ऑप्शन सही है, यूनिट यूनिट आप लिख लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, ये देखो कौन सा क्वेश्चन है, ये सोर्स ऑफ साउंड डॉपलर इफेक्ट इन टू डायमेंशन। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली मैं आपको जो बताया हूँ वो बहुत ही आसान मेथड बताया हूँ प्यारे बच्चों। ये सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ सोर्स का साउंड है इमिट फ्रीक्वेंसी 100 Hz एंड ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, मतलब यहाँ पे देखो इसको इसको यहाँ पे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जो सुनेगा सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स ऑफ साउंड है और फ्रीक्वेंसी 100 Hz है, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। स्पीड द सोर्स इज मूविंग विथ स्पीड 19.4 एट एंगल 60 डिग्री, ये जो स्पीड है इधर वो 19.4 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा आपको दिया हुआ है। द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो मैं 0 ले लेता हूँ, अपेरेंट दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वड बाई द ऑब्जर्वर इन साउंड की स्पीड 330 ले रहा है। अब इसको हम कैसे करें, जो हम डेरिवेशन किए थे, जो हमारा हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि इसी फार्मूले को आपको याद करना और हमेशा लगाना है जब तक कि मीडियम रेस्ट में है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वी माइनस वी ओ और वी माइनस वी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं ओ ऊपर रहेगा कि यस यस ऊपर रहेगा, तो याद रखो ओ एस ओ एस ओ एस ऐसे कुछ याद कर लो। तो यहाँ से ये सारे वेक्टर है, स्पीड ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। जब इसका डेरिवेशन हुआ था तो याद करो ये सिंगल लाइन में सारे वेक्टर थे, जो भी वेक्टर, इसमें 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर एक सिंगल लाइन में थे। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ ये वाली जो वेक्टर है, जो
स्पीड ऑफ सोर्स है वो इधर जा रहा है 19.4 से और ऑब्जर्वर इधर है, तो इसका हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, क्योंकि इसमें वन डायमेंशन में सारे डिराइव हुए थे, तो यहाँ से इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो होगा बी एस कॉस 60 और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर चल जाएगा जो होगा वी एस साइन 60। वी एस साइन 60 की वजह से इस ऑब्जर्वर को कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे साउंड की स्पीड भी इधर ही आएगी तभी तो सुनेगा, तो यहाँ से अब मैं इधर पॉजिटिव ले लेता हूँ, इधर पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला लगाऊँ तो इसको मिलेगा जो एफ डैश साउंड की स्पीड 330 में इस साउंड, ये सोर्स है ना भाई, ये साउंड जनरेट करेगा तो साउंड इधर आएगी तभी तो सुनेगा ये, तो यहाँ से इधर इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ, माइनस स्पीड ऑफ वेलोसिटी या ऑब्जर्वर वो रेस्ट में है डिवाइडेड बाय 330, इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ और इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूँ, तो माइनस साइन माइनस ही रहेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी एस कॉस 60 और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो कि 100 है। दिस इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर बाय दिस ऑब्जर्वर, आपको कोई नया साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। तो एफ डैश इज इक्वल टू, सिंपल बात याद रखो कि एक डायरेक्शन में लगने वाले वेक्टर की साइन एक जैसे होगी, तो 330 माइनस 19.4 कॉस 60 साइन 30 वन बाई टू और मल्टीप्लाइड बाई 100, एक काट कूट लेना इसको, काट उठ लेना, देख लेना, कैलकुलेट कर लेना इसको, ए 103 आ जाएगा, इसको काट लोगे तो 103 हर्ट्स ए फ्रीक्वेंसी, दिस इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर बाय ऑब्जर्वर, दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट इन टू डायमेंशन, आपको यही फार्मूला लगाना है। चलो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, अब इस वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपसे ये सवाल होता है क्लोज्ड पाइप क्या होता है, एक साइड जो क्लोज रहेगा उसको मैं क्लोज्ड पाइप बोलता हूँ, ये एक साइड ओपन रहेगा एक साइड ये क्लोज रहेगा, इसमें कोई फ्लूइड रख दो जनरली एयर ही होता है, आर्गन पाइप लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्लोज वाले की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में है, तो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेशन में कितने नोड कितने एंटी नोड, यहाँ ऑलवेज एंटी नोड, तो ये जो पाइप है उसमें मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, बराबर है। तो ये तो रही इसकी कहानी, और ये लेंथ कितनी आ जाएगी इसको कैलकुलेट कर लें, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होती है, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल इक्वल टू 20, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 80, इसको ऐसे ही रहने दो 80 सेंटीमीटर, क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व कर दिया, ये कहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप। अब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप जो होता है, आप अगर पढ़ोगे तो इसमें समझना, इसको ओपन आर्गन पाइप में ये वाली जो होती है यहां से जो ऐसे बनती है ये जीरो ओवरटोन फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, इसमें सारे हार्मोनिक होते हैं, दो नोड बन जाएगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन, तीन नोड बन जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकेंड ओवरटोन, समझना, तीन नोड में सेकेंड ओवरटोन आ जाएगा, ये है फर्स्ट ओवरटोन, और ये है हम लोगों के पास, थोड़ा मैं इसको और बड़ा बना देता हूं, इसको मैं और बड़ा बना दूं जिससे थोड़ा आपको क्लियर नजर आएगा, इसमें एक्चुअली तीन नोड होंगे, ये मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ ओपन वाले को, क्योंकि इसमें तीन नोड आएंगे, तो एक नोड यहाँ एक नोड यहाँ एक नोड यहाँ, तो वो कुछ ऐसा आएगा, दिस इज द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन आर्गन पाइप, तीन नोड, एक नोड यहाँ एक नोड यहाँ एक नोड यहाँ, नोड नोड नोड, यहाँ ऑलवेज एंटी नोड,
यहाँ पर भी एंटी नोड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। तो इसकी, अब इसकी लेंथ कह रहा है हमें निकालना है, लेंथ ऑफ द ओपन आर्गन पाइप, इसकी जो लेंथ है वो हमें एल कंसिडर कर लेना है। और यहाँ से अब देखो दो नोड, ये वाली लेंथ कितनी हुई, ये वाली एक नोड लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई टू, ये लैम्डा बाई टू और ये लैम्डा बाई फोर। तो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, ये हो गया लैम्डा। तो एक्चुअली इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो ये लैम्डा और प्लस ए लैम्डा बाई टू, मतलब आ जाएगा थ्री लैम्डा बाई टू। तो इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ आ जाएगी थ्री बाई टू, और लैम्डा उधर से हम निकाल के लेके आए थे, इसमें रख दो 80, दैट इज 40, तो 120 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। आपको कोई फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, 120, ठीक है, ये वाली चीज। चलो ये देखो N1, N2, N3, ये जो क्वेश्चन है नीट में कई बार पूछा गया है, एक नहीं कई बार आया है, और इस टाइप के इसको आपको करने आना चाहिए यार। N1, N2, N3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थ्री सेगमेंट इन स्ट्रिंग डिवाइडेड। अगर स्ट्रिंग है, चलो अभी मैं मान लेता हूँ कि स्ट्रिंग दोनों साइड क्लोज्ड है, अगर ओपन भी मान लोगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जनरल मोड में एन वी अपन टू एल के इक्वल होती है, या एन वी अपन टू एल टी बाई म्यू अंडर रूट। ये अगर स्ट्रिंग दोनों साइड है अटैच है, तो जनरल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एन वी टू एल, इतना मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको, इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी वो तो एल थी यार। अब इसके मैंने तीन पीसेस किए, एक दो तीन, और ये लेंथ एल वन एल टू एल थ्री बना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल की वैल्यू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री के इक्वल तो होगा ही होगा, क्योंकि इसी को काटा हूँ तीन पार्ट में। तो फंडामेंटल, द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जब इसकी लेंथ एल थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी एन थी यार। तो अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हर एक की, मतलब इस इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, आपने जो पीस बनाया, आपने L1 पीस बनाया, इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी N3 है। तो N को N1, N2, N3 के टर्म में लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हो, इस क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी N इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लेंथ। यहाँ से देखो, क्योंकि ये टेंशन है, सब म्यू कॉन्स्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि L इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन N। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन N इज इक्वल टू वन अपॉन N1 प्लस वन अपॉन N2 प्लस वन अपॉन N3। दिस इज अ फाइनल सोल्यूशन। इस एक्सप्रेशन से ये मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ बड़े आराम से, मतलब ए ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस, देखो अगर कोई ऑसिलेशंस है, कौन सा पाइप है, ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ए क्लोज्ड पाइप है। क्लोज्ड पाइप ये होता है जो एक साइड क्लोज्ड हो, तो ये हमारा क्लोज्ड पाइप है। इसमें अलग अलग हार्मोनिक्स होते हैं, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन में अलग अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ये बात हमको पता है। इसका जनरल एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी का अगर मैं लिखूं तो एन भी अपॉन फोर एल के इक्वल आता है। एन क्या होता है, एन इसमें ओड होता है, 1, 3, 5, 7, क्योंकि इसमें इवन हार्मोनिक मिसिंग होता है, इसमें ओनली ओड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें निकालना है कि देखो, पहले निकालना क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज आर्गन पाइप व्हिच फ्रीक्वेंसी लाई बिलो 1250 क्या है, एक खास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और इसमें जो भी ऑसिलेशंस होगा उसकी अपना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, और जो फ्रीक्वेंसी है, कितने ऐसे फ्रीक्वेंसी हैं जो 1250 से कम है यार, बराबर है, 1250 से कम है। तो 1250, सबसे पहले जनरल फ्रीक्वेंसी F1, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो,
तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू 1 चली गई, v अपॉन 4l, तो v की वैल्यू कितनी लेनी है, 340, एंड डिवाइड कर दूं 4 से, और लेंथ कितना आ गया, लेंथ आ गया 85.85, तो 0.85, और इसको देखो काटो इसको, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वो एक्चुअली 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 100 हर्ट्स, इसको काट लो, तो ये 100 हर्ट्स जो है वो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बराबर है। तो अगर 100 हर्ट्स हमारी पहली फ्रीक्वेंसी आ गई, तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो ओड में चल रही है, इवन में नहीं चलेगी यार, तो ओड में अगर चलेगी तो इसको मैं कैलकुलेशन करूँ तो देखो F1 रेशियो F2, दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी यार, 300 आ जाएगी, बोलो चौथी तीसरी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, पहली कितनी आई 100 आई, क्योंकि इसमें इवन तो मिसिंग होती है इवन फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट फोर्थ आ जाएगी 700, उसी तरह से सिक्स फिफ्थ आ जाएगी 900, और सिक्स आ जाएगी 1100, एंड सेवन्थ आ जाएगी 1300, जो कि 1250 से ऊपर चला गया। हमें क्या था, 1250 से कम फ्रीक्वेंसी में कितने कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन दिया, अब तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो डी ऑप्शन सही है, इतनी फ्रीक्वेंसी 1200 फ्रीक्वेंसी से कम है। आई होप यह समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कहता है ये मोटरसाइकिलिस्ट है, बेसिकली द क्वेश्चन इज अपॉन द डॉपलर इफेक्ट। तो एक मोटरसाइकिलिस्ट ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और वो देखता है कि ही स्लो डाउन स्पीड, मतलब एक बाइकर है वो बाइक चला रहा है और सामने ट्रैफिक आ गई और उस ट्रैफिक में अपनी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से कम कर लिया। उसके बाद क्या किया, जैसे ही ट्रैफिक कम हुई अपनी स्पीड बढ़ा लिया, कितना बढ़ाया 18 किलोमीटर पर आवर। मूविंग अहेड ही फाइंड दैट ट्रैफिक इरेज एंड कार मूविंग, जब ट्रैफिक कम हुई उसके आगे एक कार है, ये बेसिकली एक कार है 18 किलोमीटर पर आवर से उसके आगे एक हॉर्न बजा रही है 1392 फ्रीक्वेंसी से। अब स्पीड ऑफ द साउंड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉन्क इज हियर्ड बाय हिम, मतलब बाइकर को कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बाइक चलाने वाला है और वो बाइक है, सामने इसके एक कार है ये बाइक वाला है, कार वाला है। बाइक वाला इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है देखो, 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। 36 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 × 36 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब इसके और इधर एक कार वाला है जो कि आगे जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से। ये इन दोनों की जो वेलोसिटी वेक्टर है देखना आगे है, ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। इसने क्या किया, साउंड जनरेट किया, सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स ऑफ साउंड है और ये ऑब्जर्वर है, ये सुनेगा, ये जनरेट करेगा और ये सुनेगा, बराबर है। जो इसने जनरेट किया उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 1392 हर्ट्ज़ है और साउंड की स्पीड, साउंड अब ये सुनेगा, ये कैसे सुनेगा यार, इधर से साउंड आएगी तभी तो सुनेगा, ये इस तरह से साउंड आएगी, स्पीड भी जो होगा 343 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द बेसिकली द स्पीड ऑफ साउंड। अब ये कहता है कि इसको कितनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है यार, तो हम सिंपली डॉपलर इफेक्ट लगा देते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ ऑब्जर्वर वी माइनस वी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फार्मूला। जब मैं इसको लगाने को आपको बताया हूँ
तो मैं आपको कोई नया साइन कन्वेंशन नहीं बताया हूँ, मैं सबसे सिंपलेस्ट साइन कन्वेंशन बताया हूँ कि एक डायरेक्शन में वेक्टर के साइन एक जैसे रहते हैं। अगर मैं इस साउंड की स्पीड इधर पॉजिटिव ले लेता हूँ तो इधर लगने वाले सारे वेक्टर पॉजिटिव होंगे। चलो, तो अब मैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी साउंड की स्पीड इधर मैं 343 ले लिया जो कि पॉजिटिव ले लिया, और माइनस साइन फार्मूले से ऑब्जर्वर की स्पीड, ऑब्जर्वर उधर जा रहा है इसके अपोजिट जो कि माइनस पहले से था, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के अपोजिट है तो माइनस और एक माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, डिवाइड बाय माइनस 343 और माइनस, अब सोर्स भी इधर ही जा रहा है तो ये माइनस 5 और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 392 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली इसको काट कुट लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 343 प्लस 10 एंड 343 प्लस 5 और मल्टीप्लाइड बाय 392। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे और काट लोगे तो 1412 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब सी ऑप्शन सही है हम लोग का, बराबर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा क्यों है कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इसको ज्यादा मिला क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है तो ए इसको अप्रोच कर रहा है, तो अप्रोचिंग में इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। नेक्स्ट, इफ यू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ द ओपन पाइप एट बोथ एंड, चलो अगर हमारे पास एक पाइप है जो ऑलरेडी ओपन है, ओपन मतलब है कि दोनों साइड से वो पाइप खुला हुआ है और इसमें कोई फ्लूइड है, वैक्यूम नहीं होगा यार, वैक्यूम होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट ही नहीं होगी, देयर मस्ट बी सम फ्लूइड इन पाइप, इस पाइप में कोई ना कोई फ्लूइड जरूर रहेगी। इफ यू स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ पाइप एट, इसमें से आप अगर इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस ओपन पाइप के लिए सही है, अगर इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑल हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड, ऑब्वियसली 100% सही है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसमें तो इसमें सभी हार्मोनिक प्रेजेंट्स होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है भी एन भी अपॉन 2L के इक्वल है, वेयर एन इज द इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो इसमें सभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये हमें कैसे दिखता है, फंडामेंटल में एक नोड बनता है और यहाँ हमारे पास ये कुछ ऐसा, ये एक कुछ हमें ये जो स्ट्रिंग है वो कुछ हमें ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसा, ये जो है वो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक नोड बनेगा और यहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा, यहां पर हमेशा एंटी नोड बनेगा और यहां पर एंटी नोड हमें मिल जाएगा, तो एंटी नोड ये सारी चीज हमें कैलकुलेशन में आ जाएगी, बराबर है। चलो, तो अब यहां से हम सबको पता है कि ये जो आप एंटी नोड देखते हो ये इसको डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, और ये जो चीज है वो एक्चुअली नोड है, तो ये नोड है और ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है। अब आपको इसके अलावा एक अलग से नोड आता है जो आप कभी कभी कोई टीचर पढ़ाते हैं, कोई कोई नहीं पढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेशर नोड और प्रेशर एंटी नोड। तो आपको याद रखना है कि जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनता है वहां पर प्रेशर नोड बनता है, प्रेशर नोड, यहां प्रेशर कम होता है क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स ऐसे मतलब दूर दूर होते हैं तो यहाँ प्रेशर कम होता है तो यहाँ प्रेशर नोड बनता है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नोड बना है तो यहाँ प्रेशर एंटी नोड बनता है, प्रेशर एंटी नोड,
मतलब ये प्रेशर वेव की कहानी है थोड़ा सा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एंटी नोड हमेशा होता है ओपन एंड पे, अभी हम लोग देख लिए। ओड हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, ओड भी जनरेट होते हैं इवन भी जनरेट होते हैं, मतलब बी ऑप्शन हम लोग का सही है। चलो एक आता है वेव ट्रेवलिंग है ना, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर एक वेव जनरेट हुआ और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जनरल इक्वेशन ऑफ वेव आप पढ़े होंगे, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव विच इज ट्रेवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हमें जो है इस इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म को इसके गिवेन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनको हमको अरेंज करना, कुछ वैल्यू दिया हुआ है। चलो कहता है हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एज 1 मीटर, मतलब एम्पलीट्यूड 1 मीटर हो गया ए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, ये एम्पलीट्यूड प्लस ए और ये माइनस ए, -1 बराबर है। तो वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई के इक्वल है, तो जो के होता है यहाँ पर के की वैल्यू होता है 2 पाई लैम्डा, तो इसका मतलब ये हुआ 2 पाई और लैम्डा भी 2 पाई, तो के की वैल्यू तो 1 आ गई यार। चलो ओमेगा निकाल लो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी हमें, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 2 पाई, यहाँ फ्रीक्वेंसी 1 बाई पाई के इक्वल है, तो 1 बाई पाई ने पाई, तो पाई ने पाई को फ्री ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई। अब जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को इसके फॉर्मेट में लिखते हैं। देखो ये कभी सही नहीं हो सकता, बी ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता, बिकॉज द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ट्रेवल करती है तो इसमें से जो कोफिशियंट ऑफ एक्स है वो निगेटिव ही आएगा। चलो तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लूँ, माइनस साइन, क्योंकि जो माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, बराबर है। तो अब वैल्यू डाल दो, -1 को नहीं लिखता हूँ, साइन के की वैल्यू यहाँ से कितना हम लोग निकाले थे 2x, और माइनस के की वैल्यू 1 निकाले थे ना, तो के की वैल्यू 1x और 2 ओमेगा टी। देखो y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2t, ये माइनस साइन नहीं लिखा गया है, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट है। ये इस वेव की इक्वेशन है जिसकी लैम्डा इतनी है, एम्पलीट्यूड इतना है, ओमेगा इतना है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। चलो द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव 4 बिट्स व्हेन साउंडेड विद ए, ये जो है बिट्स का प्रॉब्लम है, बिट्स के प्रॉब्लम में बेसिकली बच्चों को काफ़ी दिक्कत आता है। अब इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तभी इसको समझ पाओगे, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता यार। ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, देखो अगर हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, 2 ट्यूनिंग फोर्क चलो ले लेते हैं, ये एक का था अननोन फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, दूसरा नॉन फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज़ है, 250 हर्ट्ज़ है, इसको मैं नॉन फ्रीक्वेंसी बन दूँ। जब इन दोनों को एक साथ साउंड जनरेट किया गया तो हमें 4 बिट्स मिलता है, ठीक है। चलो तो F1 माइनस F2 हम सबको पता है इज इक्वल टू 4 बिट्स है, बिट्स मतलब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, तो F1 की वैल्यू आती है F2 प्लस माइनस 4, तो F2 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा 250 प्लस माइनस 4, मतलब ये आ जाएगा F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 254 या 246। तो ये तो क्लियर है कि जो F1 की वैल्यू है, ये तो क्लियर है, जो इसकी जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी या तो 254 होगी या 246 होगी, ये क्लियर हो गया। अब देखो अब इसमें से 2 ऑप्शन आ गया, 50-50 आ गया, तो अब मैं कन्फर्म करूँगा, ये बात क्लियर करूँगा कि इसमें से सही कौन सा है, उसके लिए कुछ कंडीशन सवाल में दिया होगा यार। चलो क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये कहता है सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी तो यही था, तो
तो ये जो है इसको मैं फर्स्ट हार्मोनिक बोलता हूँ, ये फंडामेंटल है या फर्स्ट हार्मोनिक है। अब इसका सेकेंड हार्मोनिक करो, तो सेकेंड हार्मोनिक मतलब इसका डबल, थर्ड हार्मोनिक मतलब इसका थ्री टाइम्स, फोर्थ हार्मोनिक मतलब इसका फोर टाइम्स। तो पहले अननोन फ्रीक्वेंसी का सेकेंड हार्मोनिक करो, इसको डबल करो, तो इसको सेकेंड हार्मोनिक जब इसको डबल करोगे सेकेंड हार्मोनिक, तो ये आ जाएगा 8 और 0 508 आ जाएगा, या 294, ये 492 या 508, दीज आर द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। अब क्या हुआ, आगे बढ़ो, 5 बीट्स देता है पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ 513। एक नया साउंड का सोर्स आया, उसके साथ हमने बीट जनरेट किया कितना, 5। चलो नया सोर्स ले लेते हैं साउंड का, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज है, ये न्यू सोर्स आ गया। इसके साथ सेकेंड हार्मोनिक को बीट्स जन इस ये जो नया सोर्स आया, ये नया सोर्स वो अननोन फ्रीक्वेंसी के सेकेंड हार्मोनिक के साथ कितना बीट्स दिया, 5 बीट्स दिया। तो क्या देखो, इसमें 5 बीट्स मिल सकता है, तो 13 और 8 आठ पन 13, तो ये अगर इसको और इसके साथ एक साथ साउंड करते हैं तो मुझे 5 बीट्स मिल जाता है, 513 और 492। क्या कभी 5 बीट्स मिलेगा, नहीं यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 508 क्वेश्चन के कंडीशन से हिसाब से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, मतलब 254 सही है, सी ऑप्शन सही है। कंडीशन जैसे दिया वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। चलो, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मतलब नीट में, AIPMT में काफ़ी बार पूछा गया, देखो। और इसमें एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के तीन पार्ट में करता हूँ, L1, L2, L3, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 है। तो ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखना है न्यू 1, न्यू 2 के टर्म में। चलो, अब एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये हमारे पास रोप है, इस रोप को मैं दोनों साइड बांध देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, और इसमें मैं वाइब्रेशन जनरेट कर देता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ वाइब्रेशन इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी को मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ NV2L, ऐसे लिख सकता हूँ, वेयर N इज द इंटीजर, 1, 2, 3, 4, ये अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी। अब समझने की कोशिश करना, तो इस फ्रीक्वेंसी को और अच्छे से मैं लिख सकता हूँ N/2L, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्सल वेव इन ए रोप। एक रोप में अगर मैं वेव जनरेट करता हूँ तो उसकी स्पीड क्या होती है, टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये बाकी सारे कॉन्स्टेंट है। तो बाकी अगर सारे कॉन्स्टेंट है तो अब इस रोप के मैं तीन पार्ट कर दूं। चलो, इसकी लेंथ L थी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू था, अब इसके मैंने तीन पार्ट किए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेंथ L1, L2, L3, फ्रीक्वेंसी न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 बराबर है, तो ये हमें मिल गया। अब देखो, अगर मैं इनमें इनको जोड़ूं तो मैं जोड़ सकता हूँ ना, L1 = L2 + L3, तो होगा भाई। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/new = 1/new1 + 1/new2 + 1/new3, दैट इज हम लोगों का थर्ड ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, मैच कर गया, बराबर है। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद ट्राई करो तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। क्या कहता है, टू सोर्स ऑफ साउंड, हमारे पास साउंड के दो सोर्स हैं। अब उनका एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ, y = देख रहे हो 4 sin 600 πt, एंड वो दोनों इक्वेशन किस टॉपिक का एक क्वेश्चन है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। तो दो साउंड के सोर्स हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क है, और इसका इक्वेशन y1 = 4 sin 600 πt, ये पहला साउंड के सोर्स का इक्वेशन है। दूसरे साउंड के सोर्स का इक्वेशन है 5 sin 608 πt। अब इन दोनों को एक साथ मीडियम में
साउंड जनरेट किया जाता है, समझना। एक ऑब्जर्वर है नियर द टू सोर्स। अब जब मैंने ये दोनों साउंड के सोर्स एक साथ जनरेट कर दिए, यहाँ से भी साउंड यहाँ से भी साउंड, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है इस मीडियम में, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है और उसको हमने एक साथ दो साउंड दिए, तो उसको क्या सुनाई देगा वो हमें प्रिडिक्ट करना है। पहले कितने बीट्स सुनाई देगा पहले ये निकालना है। दूसरा उसको वैक्सिंग एंड वाइनिंग, वैक्सिंग एंड वाइनिंग क्या होती है, हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है। पहले बीट्स निकालो। बीट्स कैसे निकालोगे भाई, बीट्स निकाला जाता है स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, जनरल इक्वेशन इसका क्या है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये जनरल इक्वेशन है। अगर इस जनरल इक्वेशन से मैं गिवन इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो मुझे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा वन की वैल्यू मिल जाएगी 600 पाई, बराबर है। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, एफ वन इज इक्वल टू 600 पाई, तो पाई ने पाई को और ये आ जाएगा 300, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्स आ गया, बराबर है। तो पहला जो सोर्स था, फर्स्ट इक्वेशन था, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्स है। दूसरा ओमेगा टू निकालो, ओमेगा टू की वैल्यू ये आ जाएगी 608 पाई, और ओमेगा टू को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई फ्रीक्वेंसी, एफ टू इज इक्वल टू 608 पाई, तो पाई ने पाई को और 608 से डिवाइड करोगे तो 304 हर्ट्स ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ टू। तो दोनों सोर्स की हमें फ्रीक्वेंसी पता चलिए, जब दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी पता चलिए तो मैं बीट्स बड़े आराम से निकाल लूँगा। बीट्स क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, तो बीट्स फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एफ वन माइनस एफ टू मॉड, तो 300 माइनस 304 मॉड, दैट इज 4 बीट्स उसको मिलेगा हर सेकेंड, वो 4 बीट्स सुनाई देगा उसको। अब ऑप्शन चेक करो कि 4 बीट्स किस में है, तो 4 बीट्स जो है वो हम लोगों के पास ऑप्शन डी में है और ए में है, मतलब बी और सी कभी सही नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। चलो अब हमें एक और प्रॉब्लम है कि हमें इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी वैक्सिंग एंड वाइनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी का रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब उसको मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई ए वन माइनस ए टू, ये फार्मूला पढ़े होंगे आप। इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो का ये फार्मूला बेहतर तरीके से पढ़ के आए होंगे। पहले वाले का एम्पलीट्यूड ये क्या है, एम्पलीट्यूड ये ए है, तो पहले वाले की एम्पलीट्यूड 4 है और दूसरे वाले की एम्पलीट्यूड 5 है, तो ये 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब यह आ जाएगा 981/1, मतलब फाइनली रेशियो 81:1, दिस इज द फाइनल रेशियो, मतलब 81:1 देखो किस में है, दैट इज डी ऑप्शन सही है, द डी वन इज द करेक्ट सही। वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो हमारे पास दो वेव है, एक वेव का अपना मैथमेटिकल इक्वेशन है, दूसरे वेव का भी इक्वेशन दिया हुआ, लेकिन दिक्कत क्या है कि पहला वाला साइन के फॉर्म में है, दूसरा वाला कॉस के फॉर्म में है। तो फेज डिफरेंस ऐसे डायरेक्ट तो निकालते नहीं है, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उन दोनों को या तो साइन में कर लें या तो कॉस में कर लें, बराबर है ना। तो फेज डिफरेंस पहले वाले का वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स 0.057 पहला इक्वेशन है। दूसरा कॉस के फॉर्म में y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे, इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूंगा तभी जाके मैं फेज निकाल पाऊंगा, या इस कॉस इस साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर लूँ। तो अब सबको पता होगा कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है,
तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। फेज क्या होता है? साइन या कॉस का जो एंगल है मैथमेटिकली वही फेज होता है, दिस इज द फेज, बराबर है। चलो अब अगर इन दोनों में मैं डिफरेंस लूँ तो मुझे फेज डिफरेंस बड़े आराम से पता चल जाएगा। तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ फेज फाई टू और इसको मैं असाइन कर देता हूँ फेज फाई वन। तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस फाई टू इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। तो फाई कितना है बोलो? ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई टू माइनस, यहाँ से आ जाओ ओमेगा टी ये घटा दो, माइनस के एक्स और माइनस 0.57। तो ये कौन कौन कट गया भाई? ओमेगा टी ने ओमेगा टी को, के एक्स ने के एक्स को, पाई बाई टू और माइनस 0.57, पाई बाई टू 0.1.57 होता है और माइनस 0.57, तो 1.57 है माइनस 0.5 माइनस करोगे तो 1 बचेगा 1 पॉइंट और ये रेडियन होती इसकी यूनिट, तो दैट इज द फाई फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, मतलब 1 रेडियन सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो इस जो सेशन है इस सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, आई होप कि ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। साउंड वेव्स है 350 मीटर थ्रू ए वार्म एयर, हम सबको पता है कि साउंड की जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो हमारे पास एक 350 मीटर पर सेकेंड वार्म एयर गर्म हवा है, ये एयर है जिसका टेम्परेचर हाई है, ये एयर है, इसमें साउंड की स्पीड आपको 350 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड चल रही है, प्रोपोगेट चल रही है एंड 350 मीटर थ्रू ये ब्रास, ब्रास क्या है? मेटल है। तो मेटल में जो साउंड की स्पीड है वो 3500 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा क्योंकि मेटल में ज़्यादा होता है गैस से। अब वेव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज़ है। अब ये कहता है कि जैसे ही इंटर फ्रॉम एयर टू ब्रास, जैसे ही साउंड एयर से ब्रास में इंटर करेगी तो उसकी जो वेवलेंथ है कितना फैक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन को चेक करके हमें बताना है। क्या ये सच है कि ये एयर जो है वो जो साउंड है वो और वार्म एयर से ब्रास में जाएगी तो क्या उसका वेवलेंथ चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी एयर में भी यहाँ थी, फ्रीक्वेंसी यहाँ भी 700 थी और फ्रीक्वेंसी ब्रास में भी 700 रहेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, बीच में फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी वही चेंज कर सकता है जो सोर्स जो साउंड जनरेट किया है, जो ऑसिलेटर है जिसकी वजह से साउंड पैदा हुआ है वही चेंज हो सकता, वही चेंज कर सकता है फ्रीक्वेंसी। तो ये तो बात क्लियर होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो चलो स्पीड का फार्मूला लिख दो, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, इसी को दो बार लगा दो, एक बार एयर में लगा दो, एक बार ब्रास में लगा दो। चलो तो स्पीड इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इन एयर बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब ब्रास में अगर निकालना है तो स्पीड इन ब्रास लैम्डा में निकालना ना, तो ये लैम्डा कितने फिट, तो लैम्डा इन ब्रास डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एयर इज इक्वल टू स्पीड इन ब्रास एंड डिवाइडेड बाय स्पीड इन एयर वार्म एयर। तो लैम्डा इन जो ब्रास में जो लैम्डा आ जाएगा वो स्पीड ब्रास में कितना है यार, 3500 और ये 350 और मल्टीप्लाइड को काट लो, जीरो ने जीरो को 35 ने 35 को, इज इक्वल टू 10 टाइम्स लैम्डा इन वार्म एयर, मतलब जो ब्रास में जो वेवलेंथ होगा वो एयर का 10 टाइम्स होगा, मतलब बढ़ जाएगा यार, इंक्रीज हो जाएगा, कितना? 10 टाइम्स।
बराबर है। और वैसे भी यार अगर स्पीड बढ़ी है, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसको तुम बड़े आराम से लगा सकते हो। स्पीड अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी तो लैम्बडा फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्बडा भी तो बढ़ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता, सेकंड भी कभी सही नहीं हो सकता, बराबर है। अब जब 50-50 आ गया तो उसको सॉल्व करके कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे और भी क्वेश्चन है और भी हम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।